है जिंदगी गले लगा ले, हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है ना। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह उर्फ अंशु सर के इंटरव्यू का ये दूसरा एपिसोड है। पहले भाग को आप सभी का ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद मिला, उसके लिए अंशु सर और ए जिंदगी की टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। इंटरव्यू के इस हिस्से में हमने कुछ नए प्रयास किए, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएंगे। पहले देखते हैं अंशु सर के लिए भेजी गई कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग्स। अंशु की बात कर रहा था। अंशु का सोलो मैंने एक ही बार देखा, वो भी मध्य प्रदेश के सीधी जिले में, और अंशु ने किया तिरिच और संकेत पगारे ने किया नेल कटर। अंशु की का पूरा पूरा शरीर, उनकी पूरी देह, उनके उनकी उनका पूरा अस्तित्व, उनकी सारी बीइंग, वो सब जैसे बदल जाती है अचानक उसमें जो रचना है, रचना की जो मूल संवेदना है उसमें। मैं नहीं जानता कि थिएटर की जो थियरीज हैं डायडेक्टिक और दूसरी, उसमें किसी भी कैरेक्टर के साथ अपने आप को इस तरह घुला देना यह अच्छी बात है या नहीं, इस पर क्रिटिक्स बताएंगे, लेकिन एक ईमानदारी और एक संलग्नता, एक इन्वॉल्वमेंट, एक समर्पण जो मैंने अंशु में देखा, फिर उनकी वॉइस क्वालिटी, एक ऐसी आवाज, फिर उनकी आंखें और उनका होना, जैसे जब वो मंच पर होते हैं तो लगता है जैसे तिरिश का नैरेटर है, यही है वो बच्चा, यही है वो लड़का जिसका पिता उस भीड़ में कहीं खो गया है। तो यही कहना चाहता हूँ अंशु के बारे में, और उनके भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। सर, सबसे बड़ी बात यह है कि आपने मुझे एक्टिंग सिखाया है, जिसके ऊपर से इतने सालों से मेरा घर चलता है। सर, थैंक यू सर, ऐसे ही हमेशा आप हमारे साथ रहे सर, थैंक यू, लव यू सर। नमस्कार, मैं विनोद बारी। अंशु जी और मेरी मुलाकात नासिक में पहली बार हुई थी, एक हिंदी नाटक के स्वरूप में। हमने साथ में मिलकर एक हिंदी नाटक किया था, और तब से लेकर अब तक अंशु जी ने मेरा हमेशा मित्र के रूप में और गुरु के रूप में मार्गदर्शन किया है। एंड नेचर एंड नेचुरल इज हाउ आई वुड लाइक टू डिस्क्राइब अंशु जी'स एक्टिंग। What I also want to add here, that we all know his acting prowess and how he is the most humble and down-to-earth human being. I would also like to add that, you know, when I first met him, I always thought that, you know, this guy is a celebrated theatre actor and personality, and, you know, but as soon as we started talking and communicating, it was so easy to share my thoughts with him. So, you know, in spite of being a great actor and a performer, I would say he's a very deep thinker and a philosopher, you know, and he can make you feel at ease. The most, I think, cherished character in a personality can be that, you know, he or she can make other people comfortable. And I think that art is incomparable in Anshu ji. So what I wish for is the greatest of achievements for him, and I hope to see him soon too. मैं हूँ आपकी अनवांटेड होस्ट, बिन बुलाए मेहमान, बीच बीच में आती रहूंगी। आपको ये आती रहने के लिए कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और हाँ, आई हो तो घंटी बजा के जाना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमसे जुड़े रहे और इस सेकंड एपिसोड में भी आपका साथ रहा। कई बार हम थिएटर प्रैक्टिशनर से सुनते भी है, रियलिटी एक्टिंग, रियल एक्टिंग, नेचुरल एक्टिंग, सटल एक्टिंग, तो ये क्या है?
या तो अच्छी एक्टिंग होती है या बुरी एक्टिंग होती है, कुछ नहीं होता है उसके बीच में, टर्मिनोलॉजी होती है, लेकिन होती है टर्मिनोलॉजी है चार फॉर्म्स रहे हैं थिएटर के, क्लासिकल रहा है, ट्रेडिशनल रहा है, मतलब बहुत सारे रहे, पार्सल स्टाइल रही है, मॉडर्न थिएटर, रियलिज्म, स्टाइलाइजेशन, दुनिया भर के नाम है, बट सब में एक ही चीज कॉमन जो रही है वो ये, या तो अच्छा है या बुरा है, दो चीज है। तो इसी तरह एक्टिंग में या तो अच्छे एक्टर्स होते हैं या बुरे एक्टर होते हैं, और सो कॉल्ड रियलिज्म, सटल एक्टिंग और नेचुरल एक्टिंग के नाम पे इस समय सबसे बड़ा फ्रॉड चल रहा है। तो इसके बारे में मैं बोलना भी चाहूंगा। एक बात आपको बता दूं, वो हम कई चीजें सिनेमा में या उसमें पचा लेते हैं ना, वो टेक्स्ट की ताकत होती है, वो डायरेक्टर की ताकत होती है, वो सिनेमेटोग्राफर की ताकत होती है, वो एडिटिंग की ताकत होती, कहानी में एक्टर बह जाता है और उसको लगता है हमने ग्रेट काम किया, ही हैज कंट्रीब्यूटेड नथिंग। जो रियलिज्म के नाम पे, मतलब वो तो परफेक्ट कास्टिंग है कि कोई जैसा का वैसा है, उसको लेके यूज कर लिया, वो तो डायरेक्टर का काम है। मैंने हाल ही में कई फिल्म ऐसी देखी है जहां पे कि वैसे के वैसे किसी को भी ले लिया एंड इज नॉन एक्टर, एंड उसने कर दिया और वो बहुत सुटेबल और बहुत बिलीवेबल लगा, बहुत ही परफेक्ट लगा, नो वन कैन रेज द फिंगर कि उसने कुछ खराब किया, बट द सेम एक्टर इज नॉट फिट फॉर द नेक्स्ट रोल। सटल एक्टिंग का मतलब है सटलनेस, सटलनेस का मतलब ही मुझे लगता है कि इफ यू आर गोइंग टू सटलनेस, दैट इज द होल रेंज ऑफ लाइफ। सटलनेस का मतलब ये नहीं कि मैं जोर से नहीं बोल रहा हूं, रियलिज्म का मतलब या नेचुरलिज्म का मतलब डेड एक्टिंग नहीं है, वो तो और डिजास्टरस है, उससे अच्छा तो मैं बोलता हूँ पारसी स्टाइल है, मेलोड्रामा करो, फिर चीखो चिल्लाओ नकली करो, उसके बियॉन्ड की स्टेज है जब आप कुछ करने के काबिल हो जाते हैं, बहुत कुछ करने लगते हैं, उसके बाद की स्टेज देखिए, लाइफ तो वैसे का वैसा परोसना, लेकिन याद रखिए किसकी लाइफ परोस रहे हैं, आप भी परोस रहे हैं क्या, कैरेक्टर की लाइफ परोस रहे हैं, आप कभी आप हो ही नहीं, हमेशा आपके इंस्ट्रूमेंट को आप ट्यून कर रहे हो कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, दैट इज द रियलिज्म। एक्टर बोलते हैं कि मैं तो मेथड एक्टर हूँ, मुझे तो आई एम अ डायरेक्टर्स एक्टर्स, मुझे तो जब तक आप ढेर सारे रिहर्सल नहीं देते, मुझे जब तक आप बहुत सारा रीडिंग मटेरियल नहीं देते, अंटिल एंड अनलेस इफ आई एम ड्रेस्ड, इफ आई एम डूइंग द रोल ऑफ अ बेगर, तो मैं उस रोल में चला नहीं जाता, तब तक मैं उभर कर नहीं आता। वही दूसरे कुछ कलाकार है जो बोलते हैं मैं तो स्पॉन्टेनियस हूँ, मैं तो उसी वक्त इमीडिएटली करके भी बहुत बेहतरीन काम कर जाता हूँ। तो इस बीच में व्हाट वुड यू रैंक एज अ ग्रेट परफॉर्मेंस? इट इज जस्टिफाइड, ऑल मेथड इज जस्टिफाइड टिल इट इज नॉट हार्मफुल टू यू, यानी मींस एक्टर, एंड टू द सोसाइटी, टू अदर्स, सो ऑल मेथड इज गुड। मेरा मतलब ये है कि मरने के रोल के लिए मर मत जाइए। बहुत अच्छा। से किसी का क्राफ्ट इतना डेवलप हो जाता है बिगनिंग डेज में, इसी को मेथड वेथड बोलते हैं, बाद में धीरे धीरे आपके आपके इंस्ट्रूमेंट इतने ट्यून हो जाते हैं, आप इतने सीजन्ड होने लगते हैं कि स्टिल इट इज अ मेथड और व्हाटएवर यू से, बट यू आर एबल टू डू इट मच बेटर वे, क्योंकि आपके इंस्ट्रूमेंट सभी ट्यून होने लगते हैं। सो डू इट, नो हार्म इन इट, बिल्कुल करना चाहिए, बट अगेन देयर इज वन हार्म, वो सबसे बचना चाहिए कि आपने एक मेथड ऐसा कर दिया हुआ है कि उसके बाद आप हर रोल में खुद को रिपीट कर रहे हैं, रोल के बाद भी आप लाइफ में वैसे ही रह रहे हैं, हर रोल में वही झलक लग रही है, अगेन दिस इज डिजास्टर। बट आई विल से स्टिल वो एक्टर भी अच्छे हैं जो बेचारे एक रोल के बाद निकल नहीं पा रहे हैं या उसमें ट्रैप में आ गए, कम से कम एक रोल तो उन्होंने ठीक से करने की कोशिश किया, बट दोज जिन्हें कुछ हुआ ही नहीं करते समय भी और करने के बाद भी और करने के पहले भी, उनके बारे में आपके शो में क्यों बोलना है? मैंने आपसे कई बार सुना है कि एक्टिंग इज द ओनली रियलिटी, रेस्ट ऑल इज मेलोड्रामा। बहुत बढ़िया लाइन है, पर इसको अगर आप हमें समझाएंगे तो और भी ज्यादा अच्छा लगेगा। सो व्हाट इज इट? कवल जी, पहली बात तो बताऊं कि ये मेरे दिल से आई हुई चीज है, किसी एक्टर का कोट नहीं है और किसी बुक से नहीं आया है। सो एक्टिंग इज द ओनली रियलिटी एंड रेस्ट ऑल इज मेलोड्रामा। ये मुझे एक समय ऐसा हुआ था कि, मतलब बहुत पुरानी बात नहीं, कुछ दिन पहले तक की बात होगी या कुछ साल पहले की बात होगी, जब मैं थोड़ा सा थिएटर या एक्टिंग से लाइफ में बहुत चीजों में था और लाइफ के ड्रामे को भी इंजॉय कर रहा था, और शायद वो फुलफिलमेंट ऑफ रिलेशनशिप और अदर थिंग्स और बाकी चीजों को भी एक्सप्लोर करते हैं लाइफ में, ये मुझे लाइफ मुझे मतलब
मुझे लाइफ में ना हर कोई मुझे मास्क लगाया हुआ लगने लगा, ये सच बता रहा हूँ, ये कोई बिटरनेस नहीं। मुझे लगा कि हम लाइफ में एक्टिंग करते हैं, लाइफ में हम झूठे होते हैं, लाइफ में हम हर चीज की एक्टिंग कर रहे हैं, जो कोई मिलता है वही आपसे एक्टिंग कर रहा है। वहां से मैंने थक कर बोला था कि एक्टिंग इज द ओनली रियलिटी, रेस्ट ऑल इज मेलो ड्रामा। लेकिन मैं डरा कि कहीं मैं जाग न जाऊं और ये सब कुछ सपना न साबित हो जाए। मैंने थामू की तरफ देखा, वो रो रहा था, मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, आशिर था। कितने लंबे अरसे से उसके अड्डे को जानने के बावजूद कभी दिन में आकर मैंने उसे मारने की कोशिश की। मैं आज बेतहाशा खुश था। इसलिए भी जाना जाता है कि यू आर कॉल्ड एज अ वेरी डिसिप्लिन्ड एक्टर, अ वेरी डिसिप्लिन्ड थिएटर प्रैक्टिशनर। तो एक एक्टर की लाइफ में डिसिप्लिन का कितना इम्पोर्टेंस है, उस पर थोड़ी सी रोशनी डालिए प्लीज। ग्रेट रिक्वायरमेंट, मुझे लगता है कि दिस इज द प्रीरिक्विजिट, दिस इज द प्रीरिक्विजिट, दिस इज द क्राइटेरिया, बिकॉज एक्टिंग इज अ हैबिचुएशन। You are habituating your instrument in such a way that now it is ready to adopt or become something else. When I call it habituation, who is getting habituated to what? Your instruments. So your instrument, it should be very much cultured, and in the process of culturing, discipline ka bahut bada role hai ye. Aapko jaldi se subah uthna padega. Aise 11 baje soke uthne wala actor dikh jata hai. 12 बजे सो के एक्टिंग पे रात भर बातें कर रहे हैं, एक्टिंग नहीं होती है, क्योंकि आपके इंस्ट्रूमेंट जितने पॉलिश रहेंगे। तो मुझे लगता है कि हर किसी को डिसिप्लिन की जरूरत है, बट एक्टर के केस में डिसिप्लिन की जरूरत इतनी ज्यादा है। व्हेन आई से डिसिप्लिन इन द टर्म्स ऑफ हिज बॉडी, अगेन बॉडी से गड़बड़ में समझिएगा, जिम विम वाला मैं सिक्स पैक वगैरह नहीं बता रहा हूँ। आई एम जस्ट यू नो देयर इज समथिंग कॉल्ड सटल बॉडी, यू नो, सो He has to be very disciplined, because whole game of acting, whole basis of emotion is your own breathing, your breathing, your finest breathing. So your instrument should be like, you know, there should be too much of integration into your body, mind and speech, what you think, what you speak, and whole the art of integration, how it will come. It will just come by more discipline. It should become your second habit. Then otherwise, what will happen? Ki maybe you have done one role very good, बहुत अच्छे से किया है, हो सकता है next में करने के लायक नहीं रहेंगे। एक acting में बहुत बड़ी saying है, Stanislavski ने बोला कि actors who does not go forward, they go backward. अगर उसे आगे नहीं ले जाएंगे तो पीछे जाएंगे, तो every day test करना पड़ेगा आपको। और इसके मामले में तो मतलब मैं आपको बोलूंगा, सो कॉल्ड रियलिज्म वगैरह की लोग बात करते हैं, प्ले में मुझे कुछ रिक्वायर्ड इमोशंस नहीं आया था, जो चाहिए था मुझे भरभरा जाना था, तो मुझे पता चला कि क्या प्रॉब्लम हो गया, तो मुझे पता चला मेरी बॉडी ही बड़ी डलडल सी और वैसी हो गई थी, एंड यू नो देन दिस इज लाइक यू नो होल योर इमोशन, इमोशन कहीं और नहीं है, माइंड और बॉडी कहीं अलग नहीं है, ये दो जोन नहीं है, इट्स ऑल योर बॉडी, लाइक यू नो this is what portraying emotion, this is the home of emotion and everything. So one actor ke case mein to bahut zyada discipline ki requirement hai, unfortunately, which is like, you know, lacking. Ultimately acting kahe ya presentation kahe on the stage or maybe on the screen, filmon mein ya television mein, after all it is what you look at. So what you look at has to be presentable and pretty. तो उसके लिए अगर नए एक्टर्स बहुत ज्यादा समय जिम को और सलॉन्स को दे रहे हैं, तो वो भी तो यही कह रहे हैं कि वी आर ट्यूनिंग आवर इंस्ट्रूमेंट। Well, true, true. Well, I'm not critical if anybody is like, you know, you one should look good, one should look healthy. When I'm saying like, you know, definitely one actor should look radiant, he should be radiant, because an actor, you know, but when we use the word body in acting, it always include the mind and emotion and everything. So you know, there can be the misinterpretation of the word. I strongly believe, like, the training of body in acting, I strongly believe
Gymming and other things at the same time, if you ask me, if you are preparing for Mike Tyson's role and certain role where that is required, again, that is the part of your process that can be done. Agar aapka character bodybuilder hai, six pack hai, eight pack hai, to wo to bahut acha hai. But acting ki jo exercises hai na Kawal ji, usme to ऐसी चीज होनी चाहिए जैसे कि योगासनास वगैरह होना चाहिए, हमारे यहाँ के एंशिएंट फॉर्म्स होने चाहिए, कलरी है, बहुत सारी चीजें, योगासना वन ऑफ द बेस्ट थिंग है, आसना एंड वॉइस प्रैक्टिसेस, मतलब ये जाते ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस, इमोशनल मेडिटेशन, अदर थिंग्स लाइक दीज आर द exercises of the actors at the same time is very healthy, very. And about your second part of the question, ठीक है, वो भी एक चीज है जहाँ पे कि आपके look weak हो तो that is again a market. I don't want to say anything about it. It has less to do with the acting. It has just like it is a demand. Okay, no problem. They are it's a supply of the market. आपको मतलब अक्सर जो नई generation आती है वो ज़्यादा practicality पर बात करती है. किसी अगर हम एक रोल के प्रिपरेशन के लिए एक महीना लगा देंगे तो व्हेन एम आई गोइंग टू गेट द नेक्स्ट रोल, सो माइट एज वेल इट्स लाइक यू नो क्विक फिक्स. देयर इज टू थिंग्स, बीइंग सक्सेसफुल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मार्केट एंड ऑडियंस एंड अगेन फ्यू करोर्स एंड ऑल दोस थिंग्स, दिस हैज नथिंग टू डू विद द आर्ट. आई विल लाइक यू नो ऑल आवर टॉक्स इन दैट कॉन्टेक्स्ट लाइक यू नो इट विल नॉट साउंड ग्रेट. I feel like an acting is a sadhana, like you know, it's like any other art, any other performing art. It takes years and years of culturing yourself. ये कई साल लगता है अपने को वैसा बनाने के लिए, and then you achieve it. साध्य कर लिया, अभिनय साध्य कर लिया, अब अभिनय अभितन अभिनेता को साध्य कर लिया. Acting तो blessings जैसा बोलते थे लोग, blessings है, वरदान है. वरदान का मतलब क्या है? वरदान का मतलब यही कि करते 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 वरदान, यानी किसी जन्म में वो एक्टर बन गया. It's a long process. So, true actor की बात करेंगे, and market is a different thing altogether. ठीक है, लेकिन उसमें कोई बुराई नहीं है. मुझे भी कल ब्रेड एंड बटर के लिए और बाकी चीजों के लिए और घर वाले चिल्ला रहे हैं कि तू तो दिखी दिखता ही नहीं है कहीं पे, तो वो करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. और वहां जाके जो जरूरत हो, जिस ढंग के काम हो रहे हैं उसके लिए लॉन्ग प्रोसेस की जरूरत भी क्या है? आपके डायलॉग भी नहीं दिए जाते, वहीं पे मिल जाते हैं कई केसेस में, तो ठीक है, तो वहां पे वैसी अर्ली एक्टिंग कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप जा रहे के लिए तो वहां पे क्या, टेलीविजन में जा रहे हैं, वहीं पे स्क्रिप्ट आ रही है, वहीं पे सब कुछ हो रहा है, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट सेम ग्रेटर एक्टिंग वगैरह. ये थिएटर वगैरह में पॉसिबल हो सकता है, एंड कुछ हद तक सिनेमा में पॉसिबल है, दैट टू नॉट ऑल थिएटर. कुछ थिएटर में हो सकता है, कुछ लोग जो बड़े सिंसियर प्रैक्टिसनर है, पैशनेट प्रैक्टिसनर है, दे वॉन्ट टू अचीव समथिंग, वहां हो सकता है. नॉट एवरी थिएटर इज ग्रेट एंड दिस, एंड वैसे ग्रेटर सिनेमा में हो सकता है जहाँ पे स्क्रिप्ट मिल गई है, पहले से चीजें चल रही है, अभिनेता तैयारी कर रहा है, वैसा हो सकता है. एक्टर की लाइफ में अंशु जी कई बार ऐसा एक पैच आता है कि बिल्कुल कुछ भी काम नहीं है, आप घर पर बैठे हैं, और तब जो है वो एक निराशा या डिप्रेशन, जैसे कि अभी आपने कहा कि आपको डिसिप्लिन होना जरूरी है, तो डिसिप्लिन ऑफ योर बॉडी, ऑफ योर डेली रूटीन, एज वेल एज डिसिप्लिन ऑफ योर माइंड, कि एक्टिंग आप केवल इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको ऑडियंस चाहिए, तालियां चाहिए, या तारीफ सुनना पसंद है, या एक्टिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो अंदर से वो पुकार है, जैसे अभी आपने शब्द इस्तेमाल किया, साधना है. तो ये जो रफ पैच आता है हर एक्टर के लाइफ में आता है, और अब तो कोरोना काल चल रहा है, कई कलाकार घर पर बैठे हैं, उसमें सीनियर एक्टर्स भी हैं, जूनियर एक्टर्स भी हैं, टेक्नीशियंस भी हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ सैडनेस इन द इंडस्ट्री. तो वहां पर एक्टर का दिमाग उससे बहुत खिलवाड़ करता है, तो उस बारे में थोड़ा सा मार्गदर्शन जरूर करिए, बिकॉज अ यंग ऑडियंस. जी जी बिल्कुल बिल्कुल. मुझे लगता है कि दो जगह ये चीज हो सकती है, दो तरह की के लोग हैं. एक तो जो बेचारे लगातार कंटिन्यूअस जो लोग काम कर रहे हैं, तो उनके लिए डेंजरस हो सकता है, क्योंकि उन्हें काम करने की आदत रही है, परफॉर्मेंसेस की हैबिट रही है, लगातार एक्टिविटी में रहने की आदत रही है, तो उनके लिए तो क्या, वो लोग तो खुद ही ज्ञानी लोग हैं, इसलिए वो सक्सेसफुल लोग हैं, उनके लिए क्या बोलना. लेकिन उनके लिए भी मैं बोलूंगा कि लाइफ अपने आप में बड़ी प्यारी चीज है, लाइफ का ही तो सोर्स एक्टिंग है, तो ठीक है ना, थोड़ा सा नेचर ने भी एक इंटरवल ले लिया है, एक उसको एक दो सीन के बीच का इंटरवल समझिए, उस समय लाइफ को एक्सप्लोर कीजिए, या एक ये समझ लीजिए कि उसको लाइफ, जो लोग काम करते हैं उनके लिए तो मैं बोलूंगा कि लाइक यू नो यू एक्सप्लोर मोर ऑफ लाइफ. बट बाकी लोग ऐसे हैं, मुझे लगता है उनके लिए तो बहुत अच्छा मौका है,
कि अपने को सुधार लें, कोरोना कल फिर खत्म हो जाए, लेकिन आपकी आदतें अगर नहीं जाएंगी तो आप क्या कर लेंगे, कोरोना खत्म भी हो जाएगा तो क्या कर लेंगे। तो आपके लिए तो बहुत अच्छा प्रिपरेशन का मौका मिला हुआ है, क्योंकि बाकी लोगों को भी रोक के रखा है, और अपनी अच्छे से तैयारी कीजिए। तो अच्छे से तैयारी करना मतलब क्या है, पहला काम तो मुझे लगता है, अगर बहुत ज्यादा मैं प्रैक्टिकली बोलूं, तो अपने डिसिप्लिन को सही कीजिए। अब ये डिसिप्लिन मतलब क्या, रूटीन को सही कीजिए। रूटीन को सही करना ये कि भले दिन भर दूसरों का काम देखना ही काम नहीं है, कभी कभी उगता हुआ सूरज देखिए। सुबह रात को लेट तक खाली फिल्में देखने से आप नहीं कर रहे हैं, ये भूलिए मत, कोई और कर रहा है, उसकी एक्टिंग पे आप बात कर रहे हैं, दूसरे की एक्टिंग पे बात करके आप नहीं हो रहे हैं। तो बहुत ज्यादा एक्सपोजर वो भी डेंजरस है। तो अपना रूटीन ब्रेक कीजिए, रात को थोड़ा जल्दी सो, सुबह उठ के बहुत दिनों से आपने उगता हुआ सूरज नहीं देखा, उसको देख लीजिए, थोड़ा शरीर को हिला डुला लीजिए, ताकि कल काम आएगा तो भी काम के रहेंगे। तो ये कीजिए, पढ़िए, अगर चाहते हैं तो अच्छे अच्छे बहुत अच्छे अच्छे राइटर्स हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, अगर आपको पढ़ना अच्छा लगता है तो पढ़िए बैठ के। थोड़ा बहुत सिनेमा देख रहे हैं वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, दिन रात मत देखिए, कहीं के नहीं रहेंगे। और बाकी चीजें कीजिए, अपना कपड़ा साफ रखिए, रूम ठीक रखिए, अंडर पैंट धोइए, प्रेस कर लीजिए, थोड़े अच्छे दिखिए, क्या प्रॉब्लम है, थोड़ा योगा कर लीजिए, थोड़ा मेडिटेट कर लीजिए, थोड़ा अच्छा सा खाना बना लीजिए, यही तो होगा ना। और जिन्होंने पहले काम किया उनको तो प्रॉब्लम भी नहीं, उनके पास तो पैसे भी हैं, तो वो तो अच्छे से जी सकते हैं, उनका तो एडिक्शन परेशान कर रहा है। जो बेचारे ये लोग हैं, आपके हाथ में लाइफ है, आपको पहले भी कुछ नहीं मिला कोरोना के, तो कोरोना के बाद भी सब खो दोगे तो गड़बड़ा जाएगा। और ये भी मत भूलिए कि कोरोना ने आपका फ्यूचर खराब कर दिया है, नहीं 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 नहीं, अगर आप बहुत तैयार हो तो अभी मार्केट बहुत खाली मिलने वाला है, बहुत लोग हट जाएंगे, अब दिखाइए, कुछ प्रिपेयर कीजिए, कुछ ऐसी चीज तैयार कीजिए जो कोरोना के बाद कर देंगे। 50 चीजें की जा सकती है, एक्टिंग अपने आप में इतना फुलफिलिंग है, क्या नहीं है। कविता पढ़िए, कहानी पढ़िए, परफॉर्म कीजिए, कैमरा लगा लीजिए, दिन भर मोबाइल के सामने रहते हैं, खुद को रिकॉर्ड कीजिए, देखिए, दिखाइए, फेसबुक वेसबुक दुनिया भर की चीजें बनी हैं, खाली सेल्फ ऑब्सेशन में मत रहिए, डीपी मत चेंज कीजिए। ये पढ़िए, कुपोतों की भाषा खराब है, पानी जैसी स्पीच कर लीजिए, खूब पढ़िए, कितना क्या लगता है, कोई किताब लीजिए, कुछ आधे घंटे एक घंटे पढ़िए, कुछ वॉइस एक्सरसाइजेस कर लीजिए, कुछ जरूरत ही नहीं आजकल यूट्यूब पे मिल जाएगा। लेथार्जिनेस ना आने दीजिए बॉडी में, एक्टर बड़ा चार्ज्ड होना चाहिए, बड़ा एनर्जेटिक होना चाहिए, तो बॉडी को सुस्ती वाले जोन में मत जाने दीजिए। पैसिविटी बहुत डेंजर है एक्टर के लिए, बाकी लोगों का काम चल भी जाएगा, राइटर कब का चाय पिएगा और लिखेगा, एक्टर का बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। डायरेक्टर अगर बॉडीली एक्टिव नहीं तो भी ग्रेट वर्क कर देगा, ह्यूमन बींग लेवल पे प्रॉब्लम हो सकती है, बट एक्टर का तो होल काम बॉडी का है। बॉडी का मतलब फिजिकल थिएटर नहीं बोल रहा हूँ, बहुत रियलिस्टिक एक्टिंग में बहुत कल्चर्ड बॉडी की जरूरत है। When I'm saying body, it include everything, your emotion, your breathing, your voice, your everything, एक-एक नाखून से लेके बाल तक। तो you have to, ये तो तैयार रहना चाहिए, नहीं तो पीछे जाएगा, जंग लगेगा। अगले एपिसोड में हम कुछ खास लेखक और नाटकों पर चर्चा करेंगे, और साथ ही अंशु सर थिएटर के नाम को दूषित करने का प्रयास कर रहे लोगों की क्लास भी लेंगे, तो अगला एपिसोड जरूर देखिएगा। पूंजीवाद, पूंजीवाद ही मानवीय कलाओं का सबसे बड़ा और निर्मम शत्रु होता है। उन्होंने ये चालू दुनियादार डरने का प्रेम नहीं किया था, उन्होंने एक सुंदर रचना को गढ़ने की कोशिश की थी। यह प्रेम एक रिश्ता नहीं, एक कला था, एक उत्कृष्ट मानवीय कलाकृति। लेकिन सभा पूंजीवादी व्यवस्था के ये दुर्दांत प्रकोप था कि वे अपने निकट से निकट के दोस्तों से भी मैं संवाद नहीं करा पा रहे थे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट बॉक्स में मेरे बारे में दो अपशब्द, दो अच्छे शब्द जरूर लिख देना। ऐ जिंदगी गले लगा ले, ऐ जिंदगी गले लगा।